साथियों, देश का विकास सुनिश्चित करने में आपके दायित्व की महत्वपूर्ण भूमिका है। सुरक्षा का वातावरण, कानून का राज विकास की रफ्तार को तेज कर देता है। आप यूपी का उदाहरण ले सकते हैं। कभी यूपी विकास के मामले में बहुत पीछे था और अपराध के मामले में बहुत आगे, लेकिन अब कानून का राज स्थापित होने से यूपी विकास की नई ऊंचाई छू रहा है। कभी गुंडों माफिया की दहशत में रहने वाले उत्तर प्रदेश में आज भयमुक्त समाज की स्थापना हो रही है। कानून व्यवस्था का ऐसा शासन लोगों में विश्वास पैदा करता है और जब अपराध कम हुआ है तो यूपी में निवेश भी बढ़ रहा है, इन्वेस्टमेंट आ रहा है। इसके उलट हम ये भी देखते हैं कि जिन राज्यों में अपराध चरम पर है वहां निवेश भी उतना ही कम हो रहा है। सारे रोजी रोटी के सारे काम ठप पड़ जाते हैं। मेरे परिवारजनों, आजकल आप लगातार पढ़ते भी हैं और देखते भी हैं कि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है। भारत इस दशक में टॉप थ्री अर्थव्यवस्था में शामिल हो जाएगा और ये गारंटी जब मैं आपको देता हूं ना, बड़ी जिम्मेवारी के साथ मेरे देशवासी, मेरे परिवारजनों को ये मोदी गारंटी देता है। लेकिन जब आप ये पढ़ते हैं तो एक सवाल आपके मन में जरूर आता होगा कि इसका देश के सामान्य नागरिक पर क्या असर होगा, और ये सवाल बहुत स्वाभाविक भी है। साथियों, किसी भी अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ने के लिए ये जरूरी है कि देश के हर सेक्टर का विकास हो। फूड सेक्टर से लेकर के फार्मा तक, स्पेस से लेकर के स्टार्टअप तक, जब हर सेक्टर आगे बढ़ेगा तो अर्थव्यवस्था भी आगे बढ़ेगी।